जनपद कन्नौज में थाना गुरसहायगंज क्षेत्र में दिनांक 15 जुलाई को एक व्यापारी का उसके एक नौकर के साथ अपहरण होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना के संबंध में पुलिस द्वारा तत्काल टीमें गठित कर और उस व्यापारी की सकुशल बरामदगी के प्रयास जारी कर दिए गए थे। 24 घंटे के अंदर अंदर कन्नौज पुलिस द्वारा जो अपहृत हैं उनको सकुशल बरामद कर लिया गया है और दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक का नाम रामेस्टर और दूसरे का नाम भूपेंद्र है। ये फतेहगढ़ का रहने वाला है। फतेहगढ़ से ही जो अपहृत व्यक्ति है उसे उसके नौकर के साथ रिकवर किया गया। जो ये रामेस्टर है ये फतेहगढ़ का हिस्ट्री सीटर है और इसके विरुद्ध 32 मुकदमे हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य नाम भी सामने आए हैं जो भी फरार चल रहे हैं, उनको शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो अपहृत व्यक्ति है वो सकुशल है और इस पूरे घटनाक्रम में जो हमारी टीम लगी थी, जिसमें इंस्पेक्टर शिवरामो, हमारे इंस्पेक्टर प्रभारी SOG, सब इंस्पेक्टर SOG, CO नगर और CO तिरवा, और इन सबको लीड कर रहे थे हमारे अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद गौर जी। इस पूरी टीम की मनोबल को बढ़ाने के लिए पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र द्वारा 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। सर, ये जो अपहरण का अंजाम दिया गया था, ये दिया गया था कि खाद बेचने के बहाने उस व्यापारी को उस दुकान पे बुलाया गया था। ये थोड़ा सा रात्रि का समय था और ये जो दुकान है थोड़ा आउटर पे थी, तो व्यापारी अपने नौकर के साथ एक अपनी मोटरसाइकिल में उस अपनी दुकान पर आया, क्योंकि थोड़ा सुनसान स्थान पर थी। वहीं पर बोलेरो सवार इन अपराधियों ने उसका अपहरण कर लिया था। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि हम इस पर पूरी विवेचना कर रहे हैं, कुछ अभी तभी इसमें फरार चल रहे हैं और इन सबको सामने ला करके जो भी इसमें दोषी होगा उन सबके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।